झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जमीन घोटाला मामले में आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया है। उन पर रांची में अवैध रूप से जमीन हड़पने और बेचने का आरोप है। अभी झारखंड के समाज कल्याण विभाग में डायरेक्टर के पद पर है छवि रंजन। ये घोटाला उनके राज्य के डिप्टी कमिश्नर के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी से पहले ईडी ने आईएएस अधिकारी से लंबी पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पूछताछ में सवालों के जवाबों से ईडी अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें रात करीब 9:15 पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पीएमएलए की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। छवि रंजन पीएमएलए की धाराओं के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले दूसरे आईएएस हैं। बता दें कि पिछले दिनों 13 अप्रैल को ही ईडी ने इस मामले में छवि रंजन के रांची और जमशेदपुर स्थित आवास और सिमडेगा और हजारीबाग समेत पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के 18 ठिकानों पर रेड मारी थी। और तब खुलासा हुआ था कि फर्जी डीड और दस्तावेजों के सहारे रांची में करोड़ों रुपए की जमीन अवैध तरीके से बेची गई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इमरान। देखिए, कल लंबी पूछताछ हुई, दूसरी बार ये पूछताछ होनी थी और घंटों पूछताछ चली, तकरीबन 10-11 घंटे तक पूछताछ होती रही, लेकिन कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाब छवि रंजन दे नहीं पाए। और आखिरकार जो पहले से साक्ष्य मिले थे और कल जो सवाल जवाब हुए, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया 9:15 के तकरीबन, और अब आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड मांगेगी कोर्ट से। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जमीन से जुड़े मामले की जब ईडी जांच कर रही थी, तो सरकारी और गैर सरकारी जो जमीन है, इस जमीन पर जो है वो दस्तावेजों की हेरा फेरी की गई है, जिसमें फर्जी जालसाजी करते हुए दस्तावेजों को हेरा फेरी करते हुए जमीन जो है उस पर छेड़छाड़ किया गया और कई जमीन जो है वो जमीन दलालों के माध्यम से बेची गई है। इस सारी शिकायतों की जाँच ईडी कर रही थी। इस पूरे मामले में याद होगा कि जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई करते हुए एक साथ तकरीबन 2 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी, रांची से जमशेदपुर और दूसरे जगहों पर, ऐसे में उसके बाद से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि जमीन से जुड़े मामले की जांच जब ईडी जब पूरी करेगी, तो इसमें कई बड़े नाम सामने आएंगे। ये संकेत शुरू से ही मिल रहे थे, क्योंकि पहले दिन ही छवि रंजन के आवास सहित कई जमीन दलाल हैं उनके यहाँ रेड मारा गया। इस पूरे मामले में पहले 7 अक्यूज को गिरफ्तार किया गया, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसे दोबारा पूछताछ के लिए रिमांड में लिया गया, 2-2 बार रिमांड में लेकर के सभी अक्यूज से पूछताछ की गई। उसके बाद जब ये पूरा मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, तो पूरी केंद्र बिंदु जो है वो छवि रंजन में जाकर के रुक गए थे। याद होगा कि छवि रंजन को लगातार जब सम्मन भेजे जा रहे थे, तो छवि रंजन ने बाहर होने का हवाला देकर के अपने आप को इससे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन
ईडी जो है वो छवि रंजन से पूछताछ करना चाह रही थी, और इसके बाद बैक टू बैक दो संबंध दिए गए। 22 तारीख को जब वो संबंध में उपस्थित नहीं हो पाया, हवाला दिया गया कि वो रांची में नहीं है, तो ईडी ने उसे फौरन तीसरा संबंध दिया और 24 तारीख को उपस्थित होने की के निर्देश दिए कि आप ईडी के जनरल कार्यालय जो एयरपोर्ट रोड में है वहाँ पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें और अपनी बातों को बताएं कि जमीन घोटाले में आपकी क्या संलिप्तता रही है या नहीं रही है, जिस तरह से सरकारी गैर सरकारी जमीन में गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी, इसी को आधार बनाते हुए ईडी ने ना सिर्फ कार्रवाई की बल्कि 24 तारीख की पूछताछ के बाद 4 मई को दोबारा छवि रंजन को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया। ईडी दफ्तर जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तकरीबन सुबह 10:30 बजे ईडी के इसी दफ्तर पर छवि रंजन पहुंच जाते हैं, और जिस तरह से पूछताछ कड़ी पूछताछ होती है, पूछताछ के क्रम में जो कई सवालात हैं ईडी के अधिकारी जब छवि रंजन से पूछ रहे थे, जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें से कई सवाल के जवाब जो हैं वो छवि रंजन नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जिस तरह से ईडी के दफ्तर पर लगातार छवि रंजन से पूछताछ हुई, पूछताछ के क्रम में कई सवाल के जवाब मांगे गए, कई डिटेल्स कहा गया कि लिख करके आप जानकारियाँ दें, कई दस्तावेज मांगे गए थे कि आपने किस तरह से उपायुक्त रहते हुए जो जमीन का हस्तांतरण किया है या फिर घेराबंदी करवाई है या फिर जिस तरह से जो आपकी कार्यशैली रही है, कहीं ना कहीं आप पर संदेह होता है, इसलिए आपने किस आधार पर यह सारी प्रक्रिया पूरी की, उनके दस्तावेज मांगे गए, जब प्रस्तुत नहीं कर पाए तो रात्रि 9:55 में तकरीबन 11 घंटे की पूछताछ के बाद जो है वो छवि रंजन को ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तारी दिखाते हुए अरेस्ट किया, और उनके परिजन उनकी पत्नी को ईडी कार्यालय बुलाया गया, उनसे कई जो चीज़ें थी सामान थे दस्तावेज थे उसमें जांच में साइन कराए गए, इनके अलावे खुद देर रात तक जो उनके अधिवक्ता हैं वो ईडी कार्यालय पर मौजूद रहे, हालांकि अधिवक्ता के मुताबिक वो कल तक अरेस्टिंग नहीं थे लेकिन वो अपने मुंह नहीं खोल नहीं रहे थे, ना ही कोई ज़्यादा जानकारी दे रहे थे, सिर्फ उनके अधिवक्ता का छवि रंजन का अधिवक्ता है उनका सिर्फ यही कहना था उनके क्लाइंट इनोसेंट है, ये सारी चीज़ें अब ये कोर्ट में तय करेंगे कि इनोसेंट है या नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, झारखंड में दूसरा आईएएस अधिकारी है जिसे ईडी गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर रही है, पहले पूजा सिंघल जो कि एक बड़े पद पर कार्यरत थी, बड़े अधिकारी थे, पूजा सिंघल का राज्य में अपनी ही उपस्थिति थी, अपनी ही दबदबा देखने को मिलता था, और ऐसे में राजधानी रांची के झारखंड की राजधानी रांची है और राजधानी रांची के उपायुक्त रहे जो छवि रंजन, इन पर दबिश बढ़ाई गई और फिर इस पर पूछताछ के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई, मतलब दो टॉप मोस्ट जो आईएएस अधिकारी हैं अपने अपने क्षेत्र के उनकी गिरफ्तारी हुई है, और दोनों ही गिरफ्तारी जो है वो अलग अलग मामलों की है, एक मनरेगा से जुड़े जो मामले की जब जांच ईडी कर रही थी तो पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई, और अब जब जमीन घोटाले की और जालसाजी की मामले की जांच कर रही है तो दूसरे आईएएस अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी हो रही है। इमरान, मामले अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कारनामे एक ही हैं, भ्रष्टाचार। उन्होंने भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़ दिए, पूजा सिंघल ने, और छवि रंजन ने भी कुछ ऐसा ही किया, अपने पद का दुरुपयोग किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और जहां मौका मिला वहां लूट खसोट मचाई। अभी देखिए, अभी तो इनसे पूछताछ हुई है, जो 7 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, लेकिन अहम कड़ी और जुड़ने वाली है इमरान, जब विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होगी उसके बाद क्या नई कड़ियां जुड़ती हैं और क्या नई चीजें सामने आती हैं वो बहुत अहम रहने वाला है। देखिए बिल्कुल, जो पूछताछ का दायरा है और जो संबंध का दायरा है वो यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जमीन घोटाले की जांच ईडी कर रही है, जिस तीव्रता से कर रही है, जिस तेजी से कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसके संकेत मिल रहे हैं कि जिस तरह से आने वाले दिनों में कई लोगों को संबंध जारी किया गया है, चाहे विष्णु अग्रवाल हो या फिर कई अन्य व्यक्ति हों, कई बड़े व्यवसाय हों, जमीन कारोबारी हों, उनको जब यहाँ पर बुलाया जाएगा, उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है कि उनमें से कई लोग को भी ईडी जो है वो डिटेन करे, क्योंकि गड़बड़ियां हुई हैं, अगर हुई हैं उसी के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है, और इसका तस्वीर जो है वो कल दिखा कि किस तरह से जब जैसे ही छवि रंजन की गिरफ्तारी की सूचना मिली, कई जो जमीन कारोबारी थे या फिर वैसे लोग थे जिनकी जमीन की शिकायतें लगातार सुर्खियाँ बन रही थी, वो ईडी दफ्तर पहुँच रहे थे, वो अपना पक्ष रख रहे थे कि किस तरह से उन्होंने रांची के डीसी को अपने सभी दस्तावेज सौंपे थे तत्कालीन समय पर,
ऐसे में उस वक्त उसे राहत नहीं मिला, फिर वो कोर्ट गए। इस पूरे मामले की जब जानकारी मिली तो इसी ईडी दफ्तर से संपर्क साधा। ईडी दफ्तर ने ऑफिशियली रूप से उन लोगों से दस्तावेज भी मांगे जो पीड़ित जानकारी दे रहे थे कल देर रात तक। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया की गई है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो गड़बड़ियों की जाँच ईडी कर रही थी, और गड़बड़ियों की जाँच में ईडी का मानना है कि छवि रंजन दोषी है, छवि रंजन के कार्यकाल में गड़बड़ियाँ हुई है, जमीन से जुड़े जो दस्तावेज है उसमें छेड़छाड़ हुआ है, जमीन माफियाओं से जुड़ करके जो है वो काम किए गए हैं, इसी को आधार बनाते ही जो है छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं ईडी के जांच में ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब मामला कोर्ट के समक्ष चला जाएगा, कोर्ट इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी। क्या आज जब ईडी कोर्ट में छवि रंजन को पेश किया जाएगा तो किसके बाद उनके रिमांड में लेने की कोशिश ईडी की जरूर करेगी, पूछताछ करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि अभी तक जो पूछताछ हुए हैं सिर्फ दो बार पूछताछ हुए हैं, एक 24 अप्रैल को, दूसरा 4 मई को। 4 मई के पूछताछ के बाद छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया और आज 5 मई की तारीख है। तो कहीं ना कहीं ईडी की कोशिश होगी कि 3 से 4 दिन या फिर 5 दिनों की रिमांड जो है वो छवि रंजन के ली जाए, और इसके बाद जो कड़ियां हैं वो आगे जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किनको लाभ पहुंचाने के लिए किन परिस्थिति में यह सारी चीज़ें हुई हैं। क्योंकि अगर किसी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो सिर्फ वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, किसी अन्य व्यक्ति भी उनके साथ इन्वॉल्व होगा। इन सारी चीज़ों की जांच जो है वो ईडी कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ नए नाम जुड़ेंगे, कई कुछ नए लोगों को सम्मन जाएगा, और इस सम्मन के आधार पर फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। और ये जो कार्रवाई है वो यहीं थमने वाला नहीं है, आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई जो है वो रांची के इसी ईडी दफ्तर से आपको देखने को मिलेंगे, राज्य को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच जब ईडी करती है तो उसमें कई लोग लपते हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी होती है। एक आखिरी सवाल इमरान जरूर पूछूंगी। देखिए ईडी ने जब से ये कार्रवाई शुरू की, ये एक साल का के दरमियान आप देखिए दो आईएएस ऑफिसर वो नप गए, पूजा सिंगल पिछले साल और इस साल अभी मई शुरू हुआ है और मई का महीना शुरू हुआ है और देखिए छवि रंजन जी गिरफ्तार कर लिए गए। इन सब के बीच देखिए एक उम्मीद जो है, आप देखिए अधिकारियों के जब कारनामे ऐसे सामने आते हैं तो कैसे लोगों का भरोसा टूटता है, और यही वजह है कि आप जब ईडी दफ्तर की तस्वीरें दिखाते हैं वहां पर वैसे लोग ही सिर्फ नहीं पहुंच रहे हैं जिन्हें इंट्रोगेट किया जाना है या फिर जिन्हें समन किया गया है, कुछ आम लोग भी पहुंच रहे हैं अपनी शिकायतें लेके, क्योंकि उन्हें वहां भरोसा नहीं जहां पर उनका हक था, अधिकार था, जहां से उन्हें मदद मिलनी थी, वहां से वो निराश हो चुके हैं और अब सीधे ईडी के पास पहुंच रहे हैं कि हमारी भी कुछ शिकायतें हैं, हमारे भी कुछ ग्रीवांसेस हैं, उन्हें भी दूर किया जाए, उन्हें भी देखा जाए। ये फर्क आया है इस कार्रवाई के दौरान। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जमीन की शिकायतें लगातार राजधानी में देखने को मिल रही थी, और ऐसे में बड़े बड़े जमीन को लेकर के अक्सर ये बातें सामने आ रही थी कि अधिकारियों की मिली भगत से जो है वो छोटे अधिकारी हो बड़े अधिकारियों की मिली भगत से ये सारे कारनामे किए जा रहे हैं। लोग कई बार इस तरह के मामलों को लेकर के गुहार लगाते हुए नजर आए। मुझे याद है कि कई ऐसी जमीन है जो अखबारों की सुर्खियां बनी, उसके बाद पूरा बवाल हुआ, उसकी घेराबंदी हुई। आज उन्हीं सब जमीन की शिकायतें के जो शिकायतकर्ता थे वो खुद देर रात तक इसी ईडी दफ्तर के पास मौजूद थे। उसने भी अपनी पीड़ा बताई कि उसने किस तरह से उसे कौन कौन से लोग धमकियां देते थे, किस तरह की बातें कही जाती थी, कितना लॉबी इसमें काम करता था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फर्क दिखी है कि आखिर ये जो घोटाले हुए हैं या जो जालसाजी हुई है उस पर अधिकारियों की मिली भगत रही है। लेकिन आती जो जमीन के से जुड़े जो मामले जब भी सामने आते हैं, और जब भी जय वो जेन्युइन मामलों में भी अगर आप एक पक्ष के पक्ष में अपनी बातों को सुनवाई करेंगे तो दूसरा पक्ष नाराज होता ही है। तो ऐसे में वो सारी चीजें जो हैं उसके लिए ओपन टू ऑल हमेशा सही रहता है। जब अगर आपको डीसी कोर्ट से अगर वो आवेदन रद्द होते हैं तो आपके पास ऊपर अदालत में अपील करने के रास्ते खुले रहते हैं, और आप ऊपरी अदालत में जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जमीन के मामले में ये सारी चीजें अक्सर होती दिखाई दी है। मैंने 10-12 साल की अपनी पत्रकारिता में देखा है कई बार कि जब भी जमीन के मामले में जिन अधिकारियों ने एक दूसरे पक्ष के को राहत देने के काम किया है, सामने वाले दूसरे पक्ष ने
जिनके खिलाफ मामला गया है उसने इस मामले का विरोध किया है और अधिकारी को मिलीभगत का आरोप भी लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, पहले 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 7 लोगों में उनकी गिरफ्तारी हुई थी जो जमीन कारोबारे थे, वैसे लोग गिरफ्तार हुए थे जो अंचल कार्यालय में बैठ करके जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे, वैसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो जमीन कारोबारी से जुड़े हुए थे, ठेकेदारी और दलाली किया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये बात के संकेत ईडी को मिले थे, जानकारियां मिली थी कि बड़े पैमाने पर जमीन की हेरा फेरी हो रही है और कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के बाद इस तरह के कारनामों का अंजाम दिया जा रहा है, फेवर किए जा रहे हैं जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके पक्ष में काम किया जा रहा है। इसी को शिकायत जो है वो रांची के दक्षिणी छोटा नागपुर आयुक्त की रिपोर्ट के आधार को बनाते हुए उसकी जांच की गई और उस जांच के आलोक में ईडी ने मामले को टेक ओवर किया और पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए अब तक इस पूरे मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन भी शामिल है। पूर्व में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और आज एक गिरफ्तारी 8 लोगों की हुई है। आने वाले दिनों में कई नए लोगों को सम्मन जारी किया गया है, विष्णु अग्रवाल सहित कई लोग ऐसे शामिल हैं जिनको सम्मन किया गया है, उनसे जब पूछताछ की जाएगी तब देखना होगा कि और कौन कौन से जमीन जुड़े हैं, क्या नामकुम, क्या हेहल, क्या चेसायर होम, क्या सेना की जमीन, इन सारे जमीन पर इतने पछड़े हैं, इतने विवाद हैं कि सारी जानकारियां जो है पहले भी सुर्खियां बनी है। तो ऐसे में इन तमाम मामलों को लेकर के किस तरह की कार्रवाई ईडी करती है, किनको राहत पहुंचाती है, किनके खिलाफ ये पूरा मामला जाता है, ये आने वाले वक्त में समझ आएगा। लेकिन फिलहाल ईडी की जिस तरह से कार्रवाई शुरू की, अब तक जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, रांची के पूर्व डीसी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, इसके बाद आगे किस पर गाज गिरती है ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, तो अब जब कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड कितने दिनों की मिलती है ईडी को वो भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है आईएएस छवि रंजन को, जो पूर्व डीसी रह चुके हैं रांची के। उनके जब कारनामे सामने आए रांची में, किस तरह से उन्होंने जमीन घोटाला किया, चाहे वो चेशायर रोड होम हो, वहां पर सेना की जमीन वाला मामला हो, या फिर हेहल मौजा का मामला हो, इन तमाम मामलों में सवालों के जवाब सही से दे नहीं पाए। और जो गिरफ्तारियां पहले हुई थी उन्होंने छवि रंजन को ही मास्टरमाइंड बताया इस पूरे जमीन घोटाले को लेकर, और अब बहुत सारे साक्ष्य मिले छवि रंजन के खिलाफ जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करने वाली है और पेशी के दौरान रिमांड की मांग की जाएगी। और इस कड़ी में सबसे अहम मोड़ तब आने वाला है जब विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होगी 8 मई को। उसके बाद और कितनी कड़ियां इस भ्रष्टाचार के लिस्ट में जुड़ती हैं वो देखना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।